नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हबीब नगर पुलिस ने फोनों का सरका करने वाली एक हिंदुत्वी टोली के मुजमला एक शख्स को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए माले की 42 मोबाइल फोन बरामद किए। मुजरिम का नाम फैज बताया जाता है, जो शाहीन नगर का रहने वाला है। उसके दो साथी मकबूर हैं। इंस्पेक्टर क्राइम जी राजू के मुताबिक ये तीनों मसरूफ तरीन इलाकों जैसे बसों, मंदिरों और मसाजिद में फोनों का सरका करते थे और इन तीनों ने सुल्तान बाजार, दबिलपुरा और पुस्तूर पुलिस स्टेशन के हदूद में कई सरके की कई वारदातें अंजाम दी थी। ये तीनों संतोष नगर हदूद में इकदाम खतन के मुकदमे में मलबूस हैं। इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी और ACP गोशा महल एम नरेंद्र की निगरानी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गैसों महीने 20 तारीख शाम में 7:30 बजे एसआर नगर के निवासी कलील सिविल इंजीनियर है, दरगाह ईस्पियन को प्रेयर ऑफर करने के लिए आके प्रेयर्स कर रहे थे। जब उसका जेब में से एक मोबाइल, 1+ मोबाइल, एक बाजू का आदमी वो चोरी करके भाग गया, ऐसे वक़्त उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने नहीं मिले, भाग गए। बाद में उन्होंने आके पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट देने के बाद केस रजिस्टर करके हमारा क्राइम टीम इन्वेस्टिगेशन करके एक लाइक बोलकर पुराना ऑफेंडर को पकड़ के इंट्रागेशन करे तो ये गैसो सेल फोन, 1+ सेल फोन उसी के साथ, और इसके पहले दरगाह यूसुफियन के पास और एक दूसरा जगह के पास गुमगे सो सेल फोन 39 सेल फोन ये सिलसिले में सीज करके करे सो है। उस ये सेल फोनों का वैल्यू जो है 5 लाख वर्थ है। ये 40 सेल फोन आपके सामने अभी जो विक्टिम्स है उन लोगों को अभी हैंड ओवर कर देते हैं। लाइक और इसके साथ दो जना और अफसकानिंग है, ये तीनों मिलके ये चोरियाँ करे से है। लाइक को भी अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करेंगे और दो जनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये केस में अच्छा तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके अपना हबीबनगर के क्राइम एस आई मधुसूदन, उसका स्टाफ बालकृष्ण, विजय कुमार, मनोज कुमार अच्छे तरीके से ये चोरों को पकड़ के अपना पार्टी सेल फोन सीज करे सो है। इसका सिलसिले में मैं क्राइम स्टाफ को अभिनंदन कर रहा हूँ। सर, ये पहले पुराना ऑफेंडर है लाइक पुलिस के बाद फिर इसके पहले सुल्तान बाजार, डबीपुरा और कोत्तूर PSA अरेस्ट, संतोष नगर PSA अटेम्प्ट मर्डर केस में गया। फिर सेल फोन और दूसरा केसेस भी करता है अभी इसको फिर पुलिस कस्टडी लेके पूरा तरीके से इंटरोगेशन करने के बाद जो जो क्राइम्स करा वो पूरा मालूम होता। थैंक यू सर।